साथियों नमस्कार। साथियों कल 15 अगस्त को कुरुक्षेत्र से, जहां पे 10 सितंबर को इसी आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ था, बहुत से किसानों को चोटें आई थी, सिर पटे थे, हड्डियां टूटी थी, पुलिस ने सिविल में अपने लोगों को खड़ाया हुआ था। कल उस चौक से, जिसका नाम हमने कल किसान क्रांति चौक रखा है, उस लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में क्रांति आई थी, किसानों में बहुत आंदोलन ने तेजी पकड़ी थी। वहाँ से एक बड़ा जत्था ले के कल कुंडली बॉर्डर पे अब बहुत से किसान पहुँचे हैं, उन सब का धन्यवाद है। अति भारी हैं, कुरुक्षेत्र की पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी ब्लॉकों की टीमों ने, सभी जिले की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और उसके आगे करनाल, पानीपत, सोनीपत बहुत अच्छा स्वागत किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मीडिया वाले भाइयों ने भी बहुत अच्छी कल खबर लगाई है, बहुत अच्छा कल प्रोग्राम दिखाया है, उन सभी का धन्यवाद है। साथियों ऐसे ही प्रोग्राम हमारे आगे चलते रहेंगे। और आने वाली 20 तारीख को आनंदपुर साहब से तख्त श्री केसगढ़ साहब की छत्रछाया में एक बड़ा जथा आनंदपुर साहब से सवेरे 9 बजे 20 तारीख को दिल्ली से चलेगा, और रात को शाहबाद में विश्राम करेंगे, और 21 तारीख दोपहर बाद कुंडली बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे वो जत्था पहुंचेगा। तो पंजाब के जो भाई हैं उनसे अनुरोध है कि वो 20 तारीख को सुबह 9 बजे आनंदपुर साहब में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों। जो आनंदपुर साहब के आसपास के लोग हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हों, गाड़ियों का जत्था वहाँ से आना है। और साथियों ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक इस आंदोलन में हमने इसी तरह से हिस्सेदारी रखनी है, इसी तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और उसके बाद कोई बड़ा प्रोग्राम जैसा भी मोर्चे की तरफ से तय होगा उसकी तैयारी करेंगे, उसमें आगे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों आप जिस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे हरियाणा के लोग जिस तरह से इसमें सहयोग कर रहे हैं, जगह जगह पे जो बीजेपी के नेता हैं उनका विरोध कर रहे हैं, तो आपका सबका धन्यवाद है। लेकिन मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा विरोध जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। कई जगह पे अब एक जगह पे पता लगा है कि एक नेता अपने उस जो उसका पीए था वो हॉस्पिटल में था और उसका पता लेने के लिए जा रहा था, तो वहाँ भी उसका विरोध कर दिया गया। साथियों ऐसी जगह से हमने बचना है, हम कहीं हमारा संगठन किसी तरह से बदनाम ना हो। जो मोर्चे का दिशा निर्देश है वो ये है कि हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, काले झंडे दिखाने हैं, किसी से मारपीट, किसी से गाली गलौज, किसी से कुछ इस तरह का नहीं करना है। और कई जगह से शिकायतें आई हैं कि हमारे लोग कुछ और तरह के जो दिशा निर्देश नहीं है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो साथियों मैं ये बेनती करूँगा कि हमारे ऊपर किसी तरह का उलाना मोर्चे की तरफ से भी ना आए, और जो हमारे भाई हैं वो सभी जगह संयम में रहते हुए विरोध करें। तो अब तक का जो विरोध हरियाणा का रहा है वो नंबर एक पे है, और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि हरियाणा नंबर एक पे रहेगा। और पंजाब के जो भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। दो जत्थे पहले पंजाब से आ चुके हैं, एक मोहाली से और एक डेरा बाबा नानक से, और तीसरा जत्था आनंदपुर साहब से 20 तारीख को आएगा। आनंदपुर साहब में लोग अपनी मर्जी से, वो बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो साथियों जो पंजाब वाले भाई हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, इतना यकीन कर रहे हैं। और साथियों जब तक ये सरकार, राजनीतिक पार्टियां जो परंपरागत पार्टियां हैं, जब तक हम इनको उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हमारी स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए पंजाब वाले भाइयों के पास बहुत अच्छा मौका इस बार है, फरवरी में वहाँ चुनाव आ रहा है, तो जो परंपरागत पार्टियां हैं उनको जरूर सबक सिखाएं, इस बार अपने बीच से नए उम्मीदवार इस बार उतारें और इस परिस्थितियों को बदलें, नया कुछ करके दिखाएं। तो जो
पंचायती उम्मीदवार होंगे, आपके बीच के, आपके परखे हुए, आपके आंदोलनकारी जो लोग होंगे वो वहाँ जाके कुछ नया करके दिखाएंगे। एक बार पंजाब से उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। तो पंजाब के साथियों, उसके ऊपर भी आपने साथ के साथ ध्यान देना, उस तरफ भी आपने, हालांकि चुनाव बेशक फरवरी में है लेकिन उसकी तैयारियां आप लोगों ने भी से मन बना लेना है कि आपने इन परंपरागत सारी पार्टियों को इस बार किनारे करना है और नए चेहरों को इस बार सामने लाना है, ताकि एक राजनीति में की जो हमारे नीतिकार हैं जिन्होंने हमारा आज तक शोषण किया है, जो इस हालत में पहचाने के दोषी हैं, उनको दोबारा वोट ना देनी पड़े। नए चेहरे आपके सामने आए, नया देश का निर्माण एक शुरुआत पंजाब से करें। तो इतनी सी बेनतियां हैं। एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने कल 15 अगस्त को बहुत बड़ा काफिला लाने में सहयोग किया है, सभी किसानों का, सभी भाइयों का, सभी हमारे कार्यकर्ताओं का, पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं का जो बहुत सहयोग कर रहे हैं, जगह जगह पे कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी जिलों में सभी जिलों की टीमों ने, सभी ब्लॉकों की टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और पंजाब वाले भाई जो बड़े जथे लेके आ रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, कल 15 अगस्त को कुरुक्षेत्र से, जहाँ पे 10 सितंबर को इसी आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ था, बहुत से किसानों को चोटें आई थी, सिर पटे थे, हड्डियाँ टूटी थी, पुलिस ने सिविल में अपने लोगों को खड़ाया हुआ था। कल उस चौक से, जिसका नाम हमने कल किसान क्रांति चौक रखा है, उस लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में क्रांति आई थी, किसानों में बहुत आंदोलन ने तेजी पकड़ी थी, वहाँ से एक बड़ा जथा लेके कल कुंडली बॉर्डर पे अब बहुत से किसान पहुँचे हैं, उन सब का धन्यवाद है। अति ये भारी हैं, कुरुक्षेत्र की पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी ब्लॉकों की टीमों ने, सभी जिले की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके आगे करनाल, पानीपत, सोनीपत बहुत अच्छा स्वागत किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मीडिया वाले भाइयों ने भी बहुत अच्छी कल खबर लगाई है, बहुत अच्छा कल प्रोग्राम दिखाया है, उन सभी का धन्यवाद है। साथियों, ऐसे ही प्रोग्राम हमारे आगे चलते रहेंगे, और आने वाली 20 तारीख को आनंदपुर साहब से तख्त श्री केसगढ़ साहब की छत्रछाया में एक बड़ा जथा आनंदपुर साहब से सवेरे 9 बजे 20 तारीख को दिल्ली से चलेगा, और रात को शाहबाद में विश्राम करेंगे, और 21 तारीख दोपहर बाद कुंडली बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे वो जत्था पहुंचेगा। तो पंजाब के जो भाई हैं उनसे अनुरोध है कि वो 20 तारीख को सुबह 9 बजे आनंदपुर साहब में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों, जो आनंदपुर साहब के आसपास के लोग हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हों, गाड़ियों का जत्था वहाँ से आना है। और साथियों, ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक इस आंदोलन में हमने इसी तरह से हिस्सेदारी रखनी है, इसी तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और उसके बाद कोई बड़ा प्रोग्राम जैसा भी मोर्चे की तरफ से तय होगा उसकी तैयारी करेंगे, उसमें आगे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, आप जिस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे हरियाणा के लोग जिस तरह से इसमें सहयोग कर रहे हैं, जगह जगह पे जो बीजेपी के नेता हैं उनका विरोध कर रहे हैं, तो आपका सबका धन्यवाद है। लेकिन मैं थोड़ा सा अनुरोध कर ये करना चाहूँगा कि हमारा विरोध जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। कई जगह पे अब एक जगह पे पता लगा है कि एक नेता अपने उस जो उसका पीए था वो हॉस्पिटल में था और उसका पता लेने के लिए जा रहा था, तो वहाँ भी उसका विरोध कर दिया गया। साथियों, ऐसी जगह से हमने बचना है, हम कहीं हमारा संगठन किसी तरह से बदनाम ना हो। जो मोर्चे का दिशा निर्देश है वो ये है कि हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, काले झंडे दिखाने हैं, किसी से मारपीट, किसी से गाली गलौज, किसी से कुछ इस तरह का नहीं करना है। और कई जगह से शिकायतें आई हैं कि हमारे लोग कुछ और तरह के जो दिशा निर्देश नहीं है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो साथियों, मैं ये बेनती करूँगा
कि हमारे ऊपर किसी तरह का उलाना मोर्चे की तरफ से भी ना आए और जो हमारे भाई हैं वो सभी जगह संयम में रहते हुए विरोध करें। तो अब तक का जो विरोध हरियाणा का रहा है वो नंबर एक पे है और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि हरियाणा नंबर एक पे रहेगा। और पंजाब के जो भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। दो जथे पहले पंजाब से आ चुके हैं, एक मोहाली से और एक डेरा बाबा नानक से, और तीसरा जथा अनंतपुर साहब से 20 तारीख को आएगा। अनंतपुर साहब में लोग अपनी मर्ज़ी से वो बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो साथियों, जो पंजाब वाले भाई हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, इतना यकीन कर रहे हैं। और साथियों, जब तक ये सरकार राजनीतिक पार्टियां जो परंपरागत पार्टियां हैं, जब तक हम इनको उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हमारी स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए पंजाब वाले भाइयों के पास बहुत अच्छा मौका इस बार है, फरवरी में वहाँ चुनाव आ रहा है, तो जो परंपरागत पार्टियां हैं उनको ज़रूर सबक सिखाएं, इस बार अपने बीच से नए उम्मीदवार इस बार उतारें और इस परिस्थितियों को बदलें, नया कुछ करके दिखाएं। तो जो पंचायती उम्मीदवार होंगे आपके बीच के, आपके परखे हुए, आपके आंदोलनकारी जो लोग होंगे वो वहाँ जाके कुछ नया करके दिखाएंगे। एक बार पंजाब से उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। तो पंजाब के साथियों, उसके ऊपर भी आपने साथ के साथ ध्यान देना, उस तरफ भी आपने, हालांकि चुनाव बेशक फरवरी में है लेकिन उसकी तैयारियां आप लोगों ने भी से मन बना लेना है कि आपने इन परंपरागत सारी पार्टियों को इस बार किनारे करना है और नए चेहरों को इस बार सामने लाना है, ताकि एक राजनीतिक में की जो हमारे नीतिकार हैं जिन्होंने हमारा आज तक शोषण किया है, जो इस हालत में पहचाने के दोषी हैं उनको दोबारा वोट ना देनी पड़े। नए चेहरे आपके सामने आए, नया देश का निर्माण एक शुरुआत पंजाब से करें। तो इतनी सी बेनतियां हैं। एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने कल 15 अगस्त को बहुत बड़ा काफिला लाने में सहयोग किया है, सभी किसानों का, सभी भाइयों का, सभी हमारे कार्यकर्ताओं का, पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं का जो बहुत सहयोग कर रहे हैं, जगह जगह पे कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी जिलों में सभी जिलों की टीमों ने, सभी ब्लॉकों की टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और पंजाब वाले भाई जो बड़े जथे लेके आ रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, कल 15 अगस्त को कुरुक्षेत्र से, जहाँ पे 10 सितंबर को इसी आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ था, बहुत से किसानों को चोटें आई थी, सिर पटे थे, हड्डियाँ टूटी थी, पुलिस ने सिविल में अपने लोगों को खड़ाया हुआ था। कल उस चौक से, जिसका नाम हमने कल किसान क्रांति चौक रखा है, उस लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में क्रांति आई थी, किसानों में बहुत आंदोलन ने तेजी पकड़ी।